देखिए, मैं तो बिहार सरकार का मंत्री हूँ और यहाँ का विधायक हूँ स्थानीय। पार्टी की ओर से महाअभियान के रूप में लिया गया है आम जनों से संपर्क स्थापित करना, और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं की जा रही है, आप देख रहे हैं सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, इन सब योजनाओं के बारे में जानकारी करना। अभी कुछ लोगों ने सड़कों में गड़बड़ी के बारे में शिकायत की, तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहाँ आवे। कुछ माता बहनों ने, वृद्ध माताओं ने मुझसे कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में, पेयजल की समस्या को लोगों ने उठाया है, और ये सराहने का भी काम किया कि 20 से लेकर 22 घंटा तक यहाँ लाइन गांव में रहना। इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और राज्य और केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसको देखना, उसको इस सब महाअभियान के तहत पूरा भी करवाना, और आम जनों को और जो सारी समस्याएं हैं, अपने कई अधिकारी मेरे साथ चल रहे, उन समस्याओं को सुनना, तुरंत निदान कराने की व्यवस्था करवाना। जो अधिकारी यहाँ नहीं हैं वो आगे उनको निर्देश देंगे, वो सारी बातें होंगी। इसी क्रम में आज लगातार दर्जन भर गाँव में हम आज स्वयं घूमेंगे और देखेंगे, इतनी यही मेरा मुख्य पर्पस। सर, सबसे बड़ा समस्या क्या देखे गाँव में? गाँव की समस्या तो जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में, जैसे भूमिहीन लोगों के द्वारा जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनको 22 तक का छतनुमा मकान बनाने के दिन, जमीन नहीं है, मैंने अपने अधिकारियों को DCLR को CEO को निर्देश दिया है, जो सरकार की भूमि है, समतल भूमि है, वहाँ उनको बसाने की व्यवस्था कराई जाए, जो नियमानुकूल काम है। और कई सारे सवाल उठे हैं, अब यहाँ एक टीचर है, टीचर की और आवश्यकता है, पानी की चबाकल खराब है, अभी निर्देश दिया है वो चबाकल ठीक करेगा, शौचालय का अभाव है वो भी बनेगा, ये सारे मुख्य सवाल है, इन सारे सवालों को देखा। ठीक है, थैंक यू सर।